ओके सो पाइथन प्रोग्रामिंग कंडीशनल एग्जीक्यूशन। कंडीशनल एग्जीक्यूशन का मतलब होगा कि जिसमें कंडीशंस हो, ठीक है, जैसे कि इफ की कंडीशन, एल्स की कंडीशन। जावा में, सी प्लस प्लस में आप लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी, स्विच स्टेटमेंट था, इफ एल्स था। ये सेम पाइथन में भी पॉसिबल है, और पाइथन में भी ये ऑपरेटर्स मौजूद है जिनको कंपेरिजन ऑपरेटर्स कहा जाता है। जावा में इनको रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता था, सी प्लस प्लस में भी रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता था, इसमें आप इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। सो इनका जो आउटपुट आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, इन सब ऑपरेटर्स का जो जवाब आता है वो ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है। और ट्रू या फॉल्स एक्सप्रेशंस बुलियन में इनका आंसर आता है। इसके अलावा ये इनके नेम्स हैं, टोटल हमारे पास ये छह ऑपरेटर्स हैं जो कि कंपैरिजन या कंडीशंस के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद कंडीशंस कैसे यूज करते हैं। कंडीशंस कुछ इस तरह होती हैं, जैसे एक्स इक्वल्स टू फाइव, इफ एक्स इक्वल्स टू फाइव। आप ये जो इक्वल है ना, इसका मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये फाइव वैल्यू आप एक्स को असाइन कर रहे हैं। और इधर जो इफ एक्स डबल इक्वल्स टू फाइव लिखा है, तो इसका मतलब आप एक्स की वैल्यू फाइव के साथ कंपेयर कर रहे हो कि वो फाइव है या नहीं है। तो अगर ये फाइव होगी वैल्यू तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर ये फाइव नहीं होगी तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर ये ट्रू होगा तो उसके नीचे लिखा है प्रिंट इक्वल्स फाइव, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा इक्वल्स फाइव, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये दूसरी कंडीशन है इफ एक्स ग्रेटर देन फोर। अब ये इक्वल ऑपरेटर यूज करके दिखाया है, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लेस देन ऑपरेटर, ये लेस देन इक्वल्स टू, और ये नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। इन इन चीजों को, ये इन स्टेटमेंट्स को आप चला के देखना चाहें, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, तो ये यहाँ पे भी चला के देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है वो स्क्रिप्ट बना के वहां पे ये कोड लिखें और उसको रन कर सकते हैं। जैसे कि मैं न्यू फाइल करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल 3, तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। और प्रिंट में क्या था, प्रिंट में लिखा इक्वल 5, तो इक्वल 5 आप इसमें दे दें, ये कॉलन ऑपरेटर यूज करें और इधर लिखें लिखें इक्वल्स टू 5, या इधर लिख देते हैं ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर ये 3 से ज्यादा वैल्यू होगी, अबव वैल्यू होगी, तो मैसेज आ जाएगा ग्रेटर देन 3। इसको सेव करते हैं, F5 प्रेस किया है मैंने, F5 प्रेस करेंगे तो ये आपको सेव करने के लिए कहेगा। इसको मैं सेव कर रहा हूँ अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप पे मेरे पास फोल्डर है टेस्ट के नाम से। टेस्ट में ही एक फाइल क्रिएट करते हैं text3, और ये इसको सेव किया है और ये रन किया। ये यहाँ पे इसको टैब दबाएंगे, इंडेंट करेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा, और इसके बाद जब आप इसको रन करोगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ग्रेटर देन 5 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन अप्लाई करें इसके ऊपर, अब अगर इसको मैं देता हूँ 5 वैल्यू, तो ये मुझे प्रिंट करेगा 5। इसको मैं F5 पर रन करने के लिए यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3, तो अब ये रन नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट होगा लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए आउटपुट कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज 3 जो है वो ग्रेटर देन नहीं है 5 से, इसलिए। अच्छा, जैसे कि जावा में लिखते थे ना, जावा में हम ऐसे लिखते थे एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है, और उसके बाद मुझे कंडीशन लिखनी होती थी तो लिखते थे एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते थे और ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते थे, ऐसे ही करते थे ना। इसके अंदर ब्रैकेट यूज नहीं करते, इसके अंदर हम टैब प्रेस करते हैं और इसको स्पेस देते हैं बीच में, ठीक है। टैब प्रेस करने से ये समझ जाता है कि ये इसकी बॉडी में अंदर आ गया है, इफ के अंदर आ गया, ये इफ इफ का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये इफ का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये इफ का पार्ट नहीं है, लेकिन जब आप इसको टैब प्रेस करते हो तो ये अब इफ का पार्ट है, यानी कि इफ के अंदर आ चुका है। ये टैब प्रेस करने का मतलब है कि ये उसकी ब्रैकेट में आ गया है और ये उसके ब्रैकेट का पार्ट है, अब देखिए अब एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ रखता हूँ तो ये एरर देता है, ये कहता है कि आप अपने पास जो है इफ के पास कोई बॉडी नहीं प्रोवाइड की, ये इस चीज का एरर दे रहा था। तो अगर इसकी बॉडी प्रोवाइड करनी है तो आपने जो प्रिंट लिखा है उसको टैब दबाओगे तो ये इसकी बॉडी में आ जाएगा। अच्छा, एक और प्रिंट अगर यूज करें, जैसे कि मैंने लिखा
फॉर एग्जाम्पल सिंगल इसके अंदर और मैंने लिखा हेलो, तो ये हेलो जो है दिस इज अगेन एक और स्टेटमेंट है। अगर ये आप इफ के अंदर रखना चाहते हैं, इस इफ के अंदर कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल 5 से अबव वैल्यू हो, जैसे कि 10 है, तो ये दोनों प्रिंट हो, पहले प्रिंट हो ग्रेटर देन 5, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट हो हेलो। अगर ये इस ब्रैकेट के अंदर नहीं हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये फॉल्स हो तो ये प्रिंट ना हो, तो इसके साथ एल्स भी लगा सकता है। अच्छा, अगर ये एक प्रिंट यहाँ लिखा होता तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ ये वाली चीज जो है ना, ये इफ के साथ कनेक्टेड है, ये इफ के साथ कनेक्ट नहीं है, ये इफ के बाहर है, ये इफ के अंदर है, ठीक है। अगर इफ ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर इफ फॉल्स होगा तो नहीं होगा ये प्रिंट, बाकी ये जो होगा ये दोनों स्टेटमेंट्स में प्रिंट होगा, चाहे ट्रू हो या चाहे फॉल्स हो। क्यों? क्योंकि ये इफ का पार्ट नहीं है, ये इफ की बॉडी में नहीं है, इफ की बॉडी यहाँ से शुरू होती है और इधर खत्म हो जाती है, सही है, इधर से शुरू होती है बॉडी और इधर ये खत्म हो जाती है, क्योंकि टैब प्रेस किया है आपने यहाँ तक। अगर टैब प्रेस करता मैं इसके साथ भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसके साथ भी टैब प्रेस करता, तो अब ये दोनों इसके अंदर आ चुके हैं, दोनों इसका पार्ट है, सही है। तो मैं अगर इसको F5 प्रेस करके रन करके दिखाऊं आपको, तो ये देखें ग्रेटर देन 5 भी प्रिंट हुआ और हेलो भी प्रिंट हुआ, ठीक है, ये दोनों किसका पार्ट है, दोनों अब इसका पार्ट है इफ का। अच्छा, अगर मैं हेलो को यहां रखता हूं, नाउ हेलो इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, अब ये हेलो इसका पार्ट नहीं है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन इसको फॉल्स करते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 5 जो कि फॉल्स है, अब अगर इसको रन करते हैं, F5 प्रेस करता हूँ, तो देखें सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है, ये प्रिंट नहीं हुआ। ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन है, एक्स इज ग्रेटर देन 5 तो ये फॉल्स हो गया, 3 जो है 3 इज ग्रेटर देन 5 व्हिच इज फॉल्स, फॉल्स हो गया, तो इसने इसको प्रिंट किया, ये नहीं हुआ प्रिंट, सिर्फ हेलो को प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये उसकी बॉडी में नहीं है। लेकिन अगर हेलो इसकी बॉडी में होता तो ये दोनों प्रिंट ना होते, ठीक है। अभी अगर इसको F5 प्रेस करके रन करूं तो देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि ये दोनों अब किसकी बॉडी में, इफ की बॉडी में आ चुका है। तो समझाना सिर्फ इतना है कि अगर ये जावा में होता तो हम इसको ऐसे लिखते, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, और उसके बाद इसको लिखते प्रिंट, और उसके अंदर जो भी मैसेज होता वो देते, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैसेज है, एक्स वाई जी कोई मैसेज है, ये इसको इस तरह लिखते और इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे रखता इस तरह से, ठीक है। और अगर दो लाइनें लिखनी होती तो मैं इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर अगेन मैं हेलो लिखना चाहता तो मैं हेलो प्रिंट करता ऐसे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब ये दोनों किसका पार्ट है? दोनों इफ के अंदर है। अगर दोनों में से ये ट्रू होगा अगर, तो ये दोनों प्रिंट होंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म हुई, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं बाहर रखूं ब्रैकेट के, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको मैं ब्रैकेट के बाहर रखता फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैंने यहाँ पे लिखता हेलो, अब ये प्रिंट होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा 5, यानी कि एक्स वाई जी, ठीक है। अगर ये फॉल्स होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये दोनों कंडीशन में प्रिंट होगा, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, इफ का पार्ट नहीं है, इफ के बाहर है, ये इफ से कनेक्टेड नहीं है। ये सेम चीज अगर पाइथन में करनी होगी तो पाइथन में ये सेम चीज किस तरह करेंगे, टैब यूज करेंगे, टैब स्पेस को ये टैब दबाओगे तो ये इफ की बॉडी में आ जाएगा, ठीक है, टैब दबाओगे तो इफ की बॉडी में, अगर टैब रिमूव करोगे तो ये इफ की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, किसी को भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब ये देखें ये जो प्रोग्राम बना हुआ ये वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि इफ एक्स इक्वल्स टू 5 कहता है, अगर एक्स की वैल्यू 5 हो तो, यानी कि ये देखें एक्स की वैल्यू 5 है, तो इसने लिखा इफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 तो प्रिंट कर दो। अभी टैब दबा हुआ देखें, ये इफ यहाँ पे लिखा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इफ के अंदर है, तो लिखा है प्रिंट इज 5, ठीक है, यानी कि अगर ये 5 होगा तो मैसेज प्रिंट होगा इज 5, और ये भी इसके अंदर ही है तो इस लिखा इज स्टिल 5, ये इसके अंदर है तो इसके अंदर ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी इफ के अंदर है क्योंकि टैब दबाया हुआ है, प्रिंट थर्ड 5 तो ये भी इसके अंदर आता है, तो इसने इसने प्रिंट किया इफ स्टिल 5, ठीक है। अच्छा, अगर ये इफ के बाहर होता, ये जो स्टेटमेंट है अब ये इफ के बाहर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है,
विच इज नॉट इन साइड द इफ, ये इफ के बाहर है क्योंकि टैब हटा दिया है यहां से। अब ये टैब के बाद लिखा था, अब ये टैब के बगैर लिखा है, तो लिखा है प्रिंट आफ्टर वर्ड्स फाइव यानी कि इफ के बाद ये चीज लिखी है, और ये लिखा है बिफोर सिक्स यानी कि सिक्स से पहले। अब ये इफ की कंडीशन शुरू हो रही है दूसरी, तो लिखा है इफ एक्स इक्वल्स टू सिक्स, टैब दबाया, टैब दबाया तो ये इफ के अंदर आ गया, और लिखा है प्रिंट इज सिक्स यानी कि इफ के अंदर आया है सिक्स, ठीक है। और ये लिखा है प्रिंट इज स्टिल सिक्स, तो ये स्टिल सिक्स के इफ के अंदर है, और थर्ड सिक्स ये भी इसके अंदर ही है इफ के अंदर। ये टैब तीनों के साथ टैब प्रेस किया है, ये टैब नहीं प्रेस किया तो ये इस तरफ आया है, और लिखा है प्रिंट आफ्टर आफ्टर वर्ड सिक्स विच इज नॉट इन साइड द इफ कंडीशन, इफ के अंदर ये नहीं है, ठीक है। इसका डायग्राम ये कुछ इस तरह बनेगा, देखें इफ एक्स इक्वल टू फाइव तीनों इफ के अंदर है, तो यहाँ पे लिखा है यस, अगर ये ट्रू हो जाए तो ये तीनों प्रिंट करेगा, ठीक है, और अगर नो फॉल्स हो गया तो ये डायरेक्टली बाहर आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तीनों प्रिंट नहीं होंगे क्योंकि ये इसके ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि ये टैब प्रेस किया तो ये ब्रैकेट के अंदर आ चुका है, ठीक है। इस चीज को आप क्या कहते हो, टैब प्रेस करने को आप इसको इंडेंटेशन कहते हो, ठीक है। क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस देना, टैब प्रेस करके आगे करना या स्पेस लगाना, जैसे ये किया है, यहाँ पे मैंने ये टैब दबाया तो मैंने इसको इंडेंटेशन किया, ये टैब दबाया यानी कि मैंने इसको इंडेंटेशन किया है, ठीक है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आपने उसको ब्रैकेट के अंदर किया है या ब्रैकेट के बाहर किया है। सो इंक्रीज इंडेंटेशन आफ्टर एन इफ स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो कॉलन साइन है, इसके बाद आपने इंडेंटेशन यूज करनी होगी। सो मेंटेन इंडेंट टू इंडिकेट द स्कोप ऑफ द ब्लॉक, तो कहता है कि जब आपको स्कोप डिफाइन करना होगा तो इंडेंटेशन को मेंटेन रखें तो वो उस ब्लॉक में आ जाएगा कोड, ठीक है। रिड्यूस इंडेंटेशन बैक टू द लेवल ऑफ द इफ स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट टू इंडिकेट द एंड ऑफ द ब्लॉक, कहता है कि अगर आपने टैब दबाया इस तरह से, ये सपोज करें दो टैब ये प्रेस किया टैब, तो यानी कि आप इफ के ब्लॉक के अंदर है, दूसरा टैब प्रेस किया तो ये भी इफ के अंदर ब्लॉक के अंदर आ गया, तीसरा इफ तीसरी भी कोई चीज अगर लिखना हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो तो वो भी इसके अंदर लिख सकते हो, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब वापस जाना है, अगर इफ से बाहर निकलना है तो इंडेंटेशन के लिए बैक प्रेस करोगे तो ये इधर आ जाएगा कर्सर, यहाँ पे अब अगर आप कुछ लिखते हो तो ये उसके बाहर लिखा जा रहा है, इफ के अंदर नहीं है, ठीक है, ये बाहर है इफ के। सो ये चीज समझाना चाह रहा है यहाँ पे आपको कि इंडेंटेट करोगे तो वो उसके इफ के अंदर या फॉर लूप के अंदर आ जाओगे, बैक करोगे तो बाहर निकल जाओगे इफ से या फॉर लूप से। ब्लैंक लाइंस आर इग्नोर्ड, ब्लैंक लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मैं अगर इन दोनों इन इधर में बीच में स्पेसेस दे दूं एंटर करके तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाइलर इग्नोर करता है इन चीजों को। कमेंट्स ऑन द लाइन बाय देमसेल्व्स आर इग्नोर्ड बाय इग्नोर्ड विद रिगार्ड टू द इंडेंटेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने कमेंट्स यूज किए तो कमेंट्स के लिए आप हैश साइन यूज करते हैं, और इधर आपने कुछ भी लिखा तो ये इग्नोर हो जाएगा, ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करता, ठीक है। देखें हेलो प्रिंट हुआ है और इसने इसको इग्नोर कर दिया। हेलो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, अगर इसको मैं कंडीशन ट्रू कर दूं और F5 प्रेस करूं तो ये देखें ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और हेलो कमेंट कमेंट जो है ये भी प्रिंट नहीं हुआ और ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ यहाँ का, सही है। सो कमेंट्स इग्नोर होते हैं और इंडेंटेशन से आप डिफाइन करते हैं कि आपका ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। अब इस कोड को समझते हैं, जैसे लिखा है एक्स इक्वल्स टू फाइव, एक्स की वैल्यू फाइव है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू, अगर एक्स ग्रेटर दो से बड़ा हो या ग्रेटर हो तो प्रिंट करेगा बिगर देन टू, और इसके अंदर है, अभी भी इस ब्लॉक के अंदर ही है तो लिखेगा स्टिल बिगर, ठीक है। अब इसके बाहर निकलना चाह रहा हूँ, इफ से बाहर निकलना चाह रहा हूँ तो ये देखें टैब प्रेस करके वापस आया है, ये एरो भी शो कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ग्रीन एरो का मतलब है आपने इंडेंटेशन की है, येलो का मतलब है कि आपने मेंटेन किया हुआ है, अभी भी ब्लॉक के अंदर है, ऑरेंज का मतलब है कि आप इफ से बाहर निकल गए और आपने लिखा है डन विथ टू, ये मैसेज प्रिंट हुआ है, अच्छा। उसके बाद येलो का मतलब है कि आप इसके अंदर आए ब्लॉक के अंदर, ग्रीन का मतलब है आपने इंडेंटेशन प्रेस किया है और इसके ब्लॉक के इनसाइड आ चुके हैं, येलो का मतलब है कि उस ब्लॉक के अभी भी उसके अंदर है, अगेन दोबारा ग्रीन का मतलब है कि अब आप इफ के अंदर है, लूप के अंदर नहीं है, ये लूप इधर है, इफ इधर है, ये देखें, और ये एक बार और इंडेंटेशन का मतलब है कि यू आर इनसाइड द इफ कंडीशन। बैक प्रेस किया, बैक का मतलब है अब आप वापस आ चुके हैं लूप के अंदर, और बिल्कुल बैक प्रेस करके शुरू में आ गए तो इसका मतलब है कि आप बाहर निकल चुके हैं लूप से भी, ठीक है। तो इंडेंटेशन को समझिएगा, इंडेंटेशन विल गिव यू द एक्सेस और पर्टिकुलर ब्लॉक एक्सेस कि आप कौन से ब्लॉक में हैं
और क्या आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे अब यहां लिखा है x इक्वल्स टू 5, इफ x इज ग्रेटर देन 2, अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो तो ये 2 प्रिंट हो, और ये इसके बाहर है, ये देखें ये येलो ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ और ये इसके बाहर लिखा है इसमें, तो इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं है। जो मैं अभी चीज समझा रहा था ये वही चीज है, जैसे कि कोड हमने किया था ना ये वाला, जैसे लिखा है f इक्वल्स टू ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसको मैं ग्रेटर देन 5 कर देता हूँ, तो अगर 5 ग्रेटर हो तो ये 2 प्रिंट हो, ठीक है, अगर 5 ग्रेटर ना हो तो ये प्रिंट ना हो, और ये हेलो जो लिखा है, ठीक है, और ये जो ये दूसरा जो मैसेज लिखा है या सिर्फ जो हेलो लिखा है ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, क्यों पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडेंटेशन खत्म कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप के लिए भी यही दिखाया है कि फॉर लूप यहाँ से शुरू हुआ और फॉर लूप को प्रिंट करना होगा, तो आप प्रिंट लिखोगे लेकिन इंडेंटेशन प्रेस करोगे तो ये लूप के अंदर आ जाएगा, अगर लूप के अंदर इफ कंडीशन लगानी होगी तो आप उसी इंडेंटेशन के ऊपर इफ स्टार्ट करोगे, अब इफ की बॉडी देनी है तो इफ के अंदर एक और इंडेंटेशन दबाओगे यानी कि टैब दबाओगे और उधर उसकी ब्रैकेट में बॉडी लिखोगे उसकी। ठीक है, सो ये तरीका है पाइथन में कोड करने का, यू आर नॉट सपोज टू यूज ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स की जगह पे आप लोग इंडेंटेशन यूज करते हैं। अब नेस्टेड डिसीजन कैसे यूज करते हैं, नेस्टेड में होगा इफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 42, एक्स की वैल्यू 42 है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो मोर देन 1 प्रिंट हो जाए, ठीक है, और अगर इफ एक्स इज लेस देन 100, अगर एक्स जो है वो लेस देन 100 है तो लेस देन 100 प्रिंट हो जाए। ठीक है, प्रिंट ऑल डन, ये सबसे बाहर लिखा हुआ है यानी कि ये इफ के साथ कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, ये इफ आउटसाइड है, आउटर इफ कहलाएगा और ये इनर इफ कहलाएगा, क्योंकि ये इफ के अंदर इफ यूज किया है, इंडेंटेशन यूज किया हुआ है, देखें टैब दबाया हुआ है, तो ये इफ एग्जीक्यूट तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये इफ चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इफ भी नहीं चलेगा, याद रखिएगा, करके दिखाता हूँ देखें कैसे। सपोज करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसका नाम है मार्क्स, और मार्क्स इक्वल्स टू 40 मार्क्स लिखे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल इफ मार्क्स, ठीक है, और मैंने कहा मार्क्स अगर लेस फॉर एग्जाम्पल लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर हमारे पास हो 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 0 और दूसरा या तो 0 से बड़ा हो, बड़ी हो मार्क्स, ठीक है, 0 से ज्यादा हो या उसे 0 से अबव हो या बराबर हो 0 के, और अगर मार्क्स दूसरा इफ यूज करो, इफ मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 39, ठीक है, तो ये प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, फेल, ठीक है, और अगर वापस टैब दबाया, एक बार और टैब दबाया, उसके बाद मैंने फिर से दोबारा लिखा मार्क्स और मैंने लिखा कि अगर इसकी ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, असल में मैं जावा के ऊपर आदी हूं तो इसलिए मैं ब्रैकेट्स जल्दी में लगा देता हूँ, सो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर इसमें लिखे 40, ठीक है, और दोबारा इफ दबाया, टैब दबाया सॉरी, और टैब में लिखा मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 49 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा हमारे लिए डी ग्रेड, सही है, और इसको अगर मैं लिखूं इस तरह और अब मैं इसको रन करूं, असल में इनको यहां से शुरू करना था, मैं मिस्टेक्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जावा के ऊपर आदी हूं तो इसलिए ये मुझसे मिस्टेक्स हो रही है, सो प्लीज इग्नोर कीजिएगा इस चीज को। तो ये इसके अंदर आ गया और ये इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया और ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, अब इसको अगर रन करें F5 प्रेस करो, इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा वो मुझे कॉलन साइन लगाना था, कॉलन साइन, ये देखें डी ग्रेड प्रिंट हुआ है, कैसे प्रिंट हुआ,
पहले इसने क्या किया, 40 को जो है वो चेक किया इधर के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो ये इसके अंदर आया और इसको आके चेक किया कि मार्क्स लेस देन इक्वल टू 39 है, तो ये फॉल्स हो गया। देखें 40 जो है ये 39 से लो नहीं है, तो इसको छोड़ दिया, इधर आ गया। इसके बाद इफ की कंडीशन दोबारा, इसने लिखा 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो इक्वल है इसके, तो ट्रू हो गया। फिर ये इधर आया, लिखा मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 49, तो ये ट्रू हो गया अगेन। ठीक है, तो इसके बाद इसने मैसेज प्रिंट किया डी ग्रेड, ये वाला प्रिंट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू नो, ये वही सेम चीज है कि अगर नेस्टेड इफ यूज करोगे, इफ के अंदर इफ इज नोन एज नेस्टेड इफ, तो आप लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपके पास ये नेस्टेड इफ के लिए यू अगेन हैव टू यूज इंडेंटेशन, तो वो आपको बॉडी डिफाइन करेगा। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है कि इफ एक्स की वैल्यू अगर वन हो, यानी कि इसको दिखाया है एक्स की वैल्यू अगर वन है, तो ये डायग्राम देखें, एक्स इज वन, तो क्या करेगा, प्रिंट मोर देन वन, तो ये इस तरफ आएगा येस अगर ट्रू हो गया। ठीक है, ये देखें 42 लिखा था, 42 इज ग्रेटर देन वन, तो ये इसको प्रिंट करेगा मोर देन वन। अच्छा, इफ इसी के अंदर है, इफ के अंदर इफ है, तो लिखेगा एक्स इज लेस देन 100, तो अब यहाँ पे एक और इफ यूज किया, ये जो शेप है ना, दिस इज डायमंड शेप, और डायमंड शेप इज यूज फॉर द इफ कंडीशन। तो लिखा है इफ एक्स इज लेस देन 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 42, तो 42 इज लेस देन 100, ये ट्रू बन गया, तो ये इधर आएगा और प्रिंट करेगा लेस देन 100। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता तो नो में ये इधर आ जाता, और अगर यहाँ फॉल्स होता तो नो में ये इधर आ जाता। ऑल डन तब प्रिंट होगा जब दोनों की तरफ से फॉल्स आए, यहाँ से फॉल्स हो गया तो इधर आ जाएगा, अगर इधर से फॉल्स हो गया तो भी ये यहाँ आ जाएगा। ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ना तो इस इफ के साथ कनेक्टेड है, ना तो इस इफ के साथ कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखें टैब यूज नहीं किया है, इंडेंटेशन यूज नहीं की मैंने, अगर इंडेंटेशन दी हुई होती तो ये इसके साथ कनेक्टेड होता। ठीक है, ये इसको इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है अगर टू वेज देने हो, अभी तो ये वन वे है ना, ये सनान क्वेश्चन है। यस सर। सर ये जो आपने आल डन लिखा है, मतलब जो प्रिंट करवाया है, जो बाहर आपने लिखा है आल डन, तो सर ये अगर दोनों कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएंगी तो ये जब नहीं मतलब जब चलेगा, उसके अलावा अगर किसी भी एक कंडीशन ट्रू रही तो ये नहीं चलेगा। नहीं, ये तो हर हाल में चलेगा, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये जरूर चलेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है इफ के साथ। अच्छा, अगर जैसे ये कंडीशन जो है वो इफ वाली फॉल्स हो गई और एक ट्रू हो गई तो फिर भी ये जो है वो नीचे प्रिंट हो जाएगा ऑल डन एग्जैक्टली हो ऑटोमेटिक। जाएगा, 100% हो जाएगा। इसको इसको मैं ऐसे समझाऊं, देखें ये वाला जो कोड हमने किया है ना, इसमें मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर इसको मैं कुछ इस तरह लिखता, कहाँ गया ये रहा कोड, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल। देखिए इसमें लिखा है अगर मार्क्स जो है वो 30 में करता हूँ उसको फिलहाल, ठीक है, सो 30 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और 30 इज लेस देन 39। अच्छा, तो ये मैसेज क्या प्रिंट कर रहा है, फेल। अच्छा, यहाँ पे वो ऑल डन वाला यहाँ मैसेज डाल देता हूँ एक प्रिंट, और मैंने लिखा सिंगल कोट में लिखेंगे ऑल डन, ठीक है, और ये मैं इसको रन करता हूँ। अब ये ऑल डन जो है ना तो इस इफ के साथ कनेक्टेड है और ना तो ये नाइस इसके साथ, दोनों के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैंने इसको यहां से शुरू किया एक बिगिनिंग से। अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो है प्रिंट है ये इसके साथ कनेक्ट हो, इस इफ के साथ अगर कनेक्टेड हो, तो मुझे एक टैब दबाना होगा तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये इसके साथ कनेक्टेड हो नेस्टेड इफ के साथ, तो मैं एक और टैब दबाऊंगा, तो ये दोनों, ये वाला और ये दोनों मैसेज इसके साथ कनेक्टेड है, इस इफ के साथ। ठीक है, ठीक है सर, अगर ठीक मैं एक बार इसको बैक करता हूं तो अब ये इस इफ के साथ कनेक्टेड है, आउटर बैक इफ के साथ। ठीक है, अगर मैं ठीक इसको वापस करता हूँ 100% मेन लाइन पे ले आता हूँ, तो अब ये दोनों के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। इसको रन करते हैं तो देखिएगा आउटपुट आएगा, ये देखिए ऑल डन प्रिंट हुआ। अब कंडीशन फॉल्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये करते हैं, इसको -1 करता हूँ, -1 तो यानी कि ये फॉल्स हो गया, -1 इज नॉट इक्वल टू 0 और लेस देन 0 भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी प्रिंट होगा, ऑल डन प्रिंट होगा, देखिएगा। सिर्फ ऑल डन ही होगा। हाँ जी, सिर्फ ऑल डन होगा, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सर क्लियर। पास आउटर इफ कनेक्टेड हो तो भी ये इसको एक बार टैब दबाना होगा, दूसरे इफ के साथ कनेक्ट करना तो एक बार फिर टैब दबाना होगा। ठीक है ओके, थैंक ठीक है सर, थैंक यू। यू। ओके सनोज, क्वेश्चन है।
जी सर, मैंने जेन सेंटेक्स जे हेट नीचे जेन सेंटेक्स जे हेट अच्छे वो उनसे कनेक्टेड हुई। यस, जिस भी कंडीशन के साथ आपने कनेक्ट करना होगा उसके साथ आपको आपको टैब दबाना होगा, यानी कि ये देख रहे हैं स्पेस, दिस इज टैब। अगर आपने उसके साथ टैब नहीं दबाया तो वो फिर किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, वो उसके बाहर है, मेन लाइन पे है वो, ठीक है। ब्रैकेट वगैरह नहीं होती है? ब्रैकेट नहीं होती इसमें, इसमें टैब होते हैं, और टैब के थ्रू बताना होता है कि ये किसके साथ कनेक्टेड है। ओके नाउ ये वाला कोड आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, चला के जरूर देखिएगा, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। छोड़ना नहीं है इसने इसको, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट एटलीस्ट वंस, ठीक है। उसके बाद टू वे कनेक्शंस के लिए, यानी कि इफ और एल्स के लिए, अभी इसमें एक ही रास्ता है ना, जो प्रीवियस स्लाइड दिखाई उसमें एक ही रास्ता था। देखें ये इफ अगर ट्रू होगा तो ये इस तरफ जाएगा, इसको प्रिंट करेगा, फॉल्स होगा तो कुछ नहीं करेगा, ये सीधा सीधा ऑल डन की तरफ चला जाएगा। फॉल्स पे हमने कोई एक्शन नहीं बताया हुआ, लेकिन अगर फॉल्स के ऊपर भी कोई एक्शन बताना चाहते हैं तो फिर एल्स यूज करना पड़ेगा, यानी कि दो रास्ते बताने पड़ेंगे। अभी एक रास्ता बता दिया है कि इफ एक्स ग्रेटर देन वन, अगर एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर हो तो ये काम करना जाके, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू वन नहीं हो तो फिर वो क्या करे उसका वो हमने कुछ भी नहीं बताया। तो हम अगर वो बताना चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर वन से अबव हो तो वो कोई काम करे, और एक्स की वैल्यू अगर वन से बिलो हो तो फिर वो कोई दूसरा काम करे, जो दो रास्ते बताना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए आप लोग यूज करेंगे एल्स स्टेटमेंट। सो इफ यू वांट टू असाइन यू नो टू वेज ऑफ द डिसीजन मेकिंग, वन वे तो आपको इफ के थ्रू बता दिया, लेकिन अगर दूसरा रास्ता भी बताना चाहते हैं कि अगर इफ कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करना, और अगर ना हो ट्रू तो फिर कोई दूसरा काम करना, तो उसके लिए आप एल्स यूज करते हैं, ठीक है। इफ और उसके साथ एल्स यूज करते हैं, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह बनता है कि इफ एक्स इक्वल्स टू फोर, अगर एक्स की वैल्यू फोर हो तो ग्रेटर देन, अगर टू है वो वैल्यू, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन टू तो फिर प्रिंट करेगा बिगर, अगर एक्स की वैल्यू टू से छोटी है, यानी कि वन है या माइनस में कोई वैल्यू है या जीरो है, तो ये नो की तरफ जाएगा और प्रिंट करेगा नॉट बिगर, ठीक है। दोनों से फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर ऑल डन को प्रिंट करेगा। तो ये कुछ इस तरह है जो कोड है इसका, वो कुछ इस तरह से है। इफ ये है, इफ एक्स ग्रेटर देन टू, एक्स की वैल्यू फोर है, सो फोर इज ग्रेटर देन टू तो प्रिंट करेगा बिगर, एल्स एल्स में भी टैब दबाना होगा, टैब दबाओगे तो ये एल्स के अंदर आ जाएगा, और प्रिंट स्मॉलर तो ये स्मॉलर को प्रिंट करेगा, ठीक है। और प्रिंट ऑल डन, ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, ना तो इफ के साथ कनेक्टेड है ना तो एल्स के साथ कनेक्टेड है, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ये करके दिखाता हूं, देखें अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि इफ अगर ये जीरो से एक जीरो से अबव हो तो प्रिंट करें, प्रिंट करेगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, अगर जीरो से अबव होगा तो प्रिंट करेगा ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, अगर इसके ग्रेटर नहीं है तो फिर ये एल्स पे जाएगा और एल्स के ऊपर प्रिंट करेगा लेस देन जीरो, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स को इस तरह प्रिंट करेगा, इसको रन करते हैं तो ये देखें लेस देन जीरो प्रिंट किया है और ऑल डन उसके बाद प्रिंट हुआ है। तो पहले इसने इसको चेक किया, क्योंकि माइनस वन है तो माइनस वन आपका जीरो से एक स्मॉलर है, तो इसने एल्स पे गया और एल्स के अंदर लिखा था लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। और अगर मैं इसको करता हूं फॉर एग्जाम्पल टेन, तो अब ये टेन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो प्रिंट होगा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो प्रिंट हुआ और ऑल डन वैसे भी प्रिंट हुआ, तो ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए ये प्रिंट होता रहेगा। बाकी ये दोनों जो है इनकी प्रिंटिंग तब होगी जब ये दोनों ट्रू या फॉल्स होंगे, अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा ग्रेटर देन जीरो, अगर फॉल्स होगा तो ये प्रिंट होगा लेस देन जीरो, ठीक है। ये इफ और एल्स की तरह जैसे जावा में यूज करते थे ना, वैसे ही इफ और एल्स है, लेकिन लिखने का तरीका सिर्फ डिफरेंट है। अच्छा, इसके बाद कोड का जो ब्लॉक ऑफ ब्लॉक कोड बनेगा या ब्लॉक बनेगा उसका, वो इस तरह बनेगा, जैसे इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू तो ये एक्स की वैल्यू है और ये ग्रेटर देन टू है,
सो अगर ये ट्रू होगा तो बिगर प्रिंट होगा इस तरफ राइट साइड पे, और अगर फॉल्स होगा तो लेफ्ट साइड पे नॉट बिगर प्रिंट होगा, और ऑल डन जो है ये दोनों के बाहर आने के बाद प्रिंट होगा, तो ये इफ के अंदर नहीं है। तो ये देखें ये येलो बॉक्स जो है ना ये दिखा रहा है कि ये इफ की बॉडी है पूरा, इसके अंदर है सब कुछ, और ये इस इफ के बाहर है, ये इफ के अंदर नहीं है, ठीक है, इफ और एल्स के बाहर है। उसके बाद हमारे पास मल्टी वे स्टेटमेंट्स है। मल्टी वे का मतलब एक से ज्यादा, जैसे इफ एल्स और एल्स इफ यूज करते थे जावा में। एल्स इफ के थ्रू हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कराते थे, अगर आपको याद हो तो। एल्स इफ हो गया एक रास्ता, इफ एल्स हो गया दो रास्ते, और अगर दो रास्तों से भी ज्यादा रास्ते चाहिए तो फिर आप एल्स इफ यूज करते हो, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इफ कंडीशन होती है तो आपका एक एक रास्ता होता है ट्रू वाला सिर्फ, अगर आपके पास इफ और एल्स होते हैं तो फिर दो रास्ते होते हैं, एक ट्रू का और एक फॉल्स का, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एल्स इफ भी हो, एल्स इफ, ठीक है, पहले एल्स लिखा हो उसके बाद इफ लिखा हो अगर, तो फिर आपके पास मल्टीपल रास्ते होते हैं, फिर उन मल्टीपल रास्तों में जो भी ट्रू होता है वहां चला जाता है वो, ठीक है। तीन चार रास्ते हो, पांच रास्ते हो, छह रास्ते हो, तो फिर आप एल्स इफ यूज करते हो, उसके लिए फिर आप उनको मिलाते हो एल्स इफ के थ्रू। जैसे कि इस कोड में थोड़ा इसको समझाता हूँ मैं। लिखा एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। तो लिखा इफ एक्स इज लेस देन टू, अगर एक्स की वैल्यू कहता है लेस देन टू हो, यानी कि जीरो हो या वन हो या लेस देन जीरो हो, यानी कि माइनस में वैल्यू हो अगर, तो प्रिंट करना स्मॉल, ठीक है। अगर 10 से स्मॉलर हो, 10 से स्मॉलर हो, 10 से कम वैल्यू हो अगर, तो प्रिंट करना एल्स इफ। ये ई एल इफ का मतलब है एल्स इफ, ई एल इफ का मतलब है एल्स इफ, ई एल इफ। तो एल्स इफ 10 से अगर स्मॉलर कोई वैल्यू होगी तो प्रिंट करेगा मीडियम, ठीक है, और अगर 10 से भी अबव वैल्यू होगी अगर कोई तो प्रिंट करेगा लार्ज। तो कितने रास्ते बने, एक दो तीन रास्ते बताएं, ठीक है। और ये ऑल डन जो है किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, ना तो एल्स के साथ है, ना तो एल्स इफ के साथ है, ना तो इफ के साथ, तीनों के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये उसके बाहर है। इसका डायग्राम देखें, लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, हमने एक्स की वैल्यू जीरो रखी है, तो जीरो इज लेस देन टू, ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो ये येस की तरफ जाएगा और ये प्रिंट करेगा स्मॉल, ठीक है, और सीधा बाहर आएगा और ऑल डन आके प्रिंट होगा। अच्छा, अगर सपोज करें एक्स की वैल्यू रखी है फाइव, अब ये फाइव इज लेस देन टू, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो नो पे आएगा, नो पे आएगा तो इसको आके चेक करेगा एल्स इफ को। सो फाइव इज लेस देन 10, ये ट्रू हो गया तो ये येस की तरफ जाएगा और प्रिंट करेगा मीडियम, और ये इससे वापस आएगा इधर और ऑल डन प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 10, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 20 है फॉर एग्जाम्पल, तो 20 इज लेस देन 10, फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ तो नो पे आएगा और नो से आगे प्रिंट करेगा लार्ज, और लार्ज के बाद सीधा आ जाएगा ऑल डन के ऊपर। कंडीशंस ये हैं, एक ये है और एक ये, दो कंडीशंस हैं और ये एल्स के अंदर है, ठीक है। तो इसका कोड में करके दिखाता हूँ छोटा सा एक। देखें, अगर हम कहते हैं कि रोल नंबर, अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर चेक करना चाहते हैं कि वो रोल नंबर 1 2 3 4 है, चार रोल नंबर चेक करते हैं, तो हम लिखेंगे इफ रोल नंबर, अगर किसी का रोल नंबर जो है, फॉर एग्जाम्पल डबल इक्वल लगा रहा हूं, लिखा वन अगर हो किसी का रोल नंबर, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा रोल नंबर इज वन, ठीक है। अच्छा, अगर एल्स इफ यूज कर रहा हूं, अब ई एल इफ लिखेंगे, ई एल इफ, ठीक है, उसके बाद आपने लिखा ई एल इफ, और इसकी कंडीशन बताएंगे कि अगर रोल नंबर बराबर हो टू के, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा रोल नंबर इज टू, ठीक है। सिमिलरली तीसरे रोल नंबर के लिए भी चेक करते हैं, तो लिखेंगे एल्स ई एल इफ, और लिखेंगे कंडीशन रोल नंबर 3, ठीक है, चार करेंगे और आखिर में एल्स लगाएंगे, प्रिंट, और इसमें प्रिंट होगा रोल नंबर इज 3, ठीक है। और उसके बाद अगेन एक एक और कंडीशन आखिरी ई एल इफ, और इसके अंदर लिख रहे हैं रोल नंबर अगर हो जाए 4, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा
सिंगल कोट में, रोल नंबर इज 4, ठीक है, और अगर कोई भी मैच ना हो तो फिर लिखेंगे एल्स, ठीक है, और एल्स में हम प्रिंट करेंगे कि अगर कोई भी वैल्यू रोल नंबर प्रिंट ना हो, इनमें से कोई भी नंबर ना हो, 1, 2, 3, 4 से अगर कोई भी रोल नंबर ना हो तो फिर प्रिंट करेंगे सम अदर रोल नंबर, ठीक है, सम अदर रोल नंबर्स, रोल नंबर्स, सम अदर रोल नंबर्स, और इसकी ब्रैकेट लगा देंगे यहां पर। सो नाउ देखें, अगर रोल नंबर 1 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये चलेगा, अगर 2 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये चलेगा, 3 होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये चलेगा, 4 होगा तो ये रोल नंबर ट्रू होगा और ये चलेगा, और अगर इनमें से कोई भी रोल नंबर नहीं होगा तो ये एल्स चलेगा और इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, F5 प्रेस करो, इनवैलिड सिंटैक्स, इसको इसके साथ में मुझे वो कॉलन लगाना था, इसके बाद अगेन F5, तो ये देखें रोल नंबर 1 था तो रोल नंबर 1, रोल नंबर इज 1 और ऑल डन पे आ गया, इसको प्रिंट किया, और फिर जब ये ट्रू हुआ तो इसको प्रिंट किया और सीधा यहाँ आ गया, ठीक है। अगर इसके अंदर 2 स्टोर होता तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, इसको प्रिंट करेगा रोल नंबर इज 2 और फिर सीधा इधर आ जाएगा ऑल डन के ऊपर। ट्राई करते हैं, ये देखें रोल नंबर इज 2 और ऑल डन पे आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर 3 करते हैं, F5 प्रेस कर रहा हूं, तो ये देखें रोल नंबर इज 3 और ऑल डन पे आ गया। अच्छा, अगर सिमिलरली मैं इसको कहता हूँ रोल नंबर 4, तो ये सिंपल इसको चेक करता, सबको चेक करता हुआ आएगा और 4 पे पहुंचेगा तो वो ट्रू हो जाएगा, सो रोल नंबर इज 4 और उसके बाद ये प्रिंट करेगा इसको। अच्छा, अब रोल नंबर 5 करते हैं, अब 5 तो मैच नहीं हो रहा किसी से भी, ठीक है, तो अब ये प्रिंट करेगा सम अदर रोल नंबर्स और ऑल डन, समझ रहे हैं। तो ये है इफ और एल्स की कंडीशंस, इस तरह लगाते हैं इसमें, वेरी सिंपल टू यूज, ठीक है, इनको आप ट्राई कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अभी भी अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है या फिर नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये इसका कोड था, इसमें नो एल्स लिखा है, इसका मतलब है कि इफ यूज किया यहाँ पे और एल्स इफ यूज किया, और एल्स इसमें नहीं लगाया, तब भी आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है। ये वाला कोड आप लोग ट्राई करेंगे, चला के देखेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ, मैं चला के नहीं दिखाता, आप लोग खुद चला के देखिएगा, इफ एक्स इज लेस देन 2 तो ये प्रिंट हो जाए, एल्स पे ये हो, अदरवाइज ये हो, अदरवाइज ये, अदरवाइज ये, और आखिर में एल्स पे आ जाए, ठीक है। इनको ट्राई कीजिएगा, अगर क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। ये सनान पूछना ये था कि जो आपने प्रिंट एंड में लिखा है एल्स के साथ जो प्रिंट लगाकर और लिखा है सम अदर रोल नंबर, तो उसके बराबर में आपने सेमी कॉलन डाला है, तो सर ये केस सेंसिटिव है या नहीं? केस सेंसिटिव तो अलग चीज होती है, बाकी इसमें आप टर्मिनेटर नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, ये लगाओगे तो ऑटोमेटिकली लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो पाइथन खुद ही लगा देता है, आपको टेंशन की इसमें कोई बात नहीं है। चलें सर, यही पूछना था बस बेटा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मल्टीवे पजल, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इफ एल्स ही है और कुछ नहीं है, सिंपल एग्जांपल ही है, 3-4 एग्जांपल दिए हुए स्लाइड्स में मैंने, के बशारत साहब ने और मैंने मिलकर ही इनको डिजाइन किया है ताकि आप लोगों को इजीली जो है वो एग्जांपल्स के थ्रू चीजें समझ में आए, अगर क्वेश्चंस होंगे तो फिर पूछते रहिएगा। अच्छा, ट्राई और एक्सेप्ट दो चीजें हैं जावा में, एक याद हो एक चीज हमने पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक, तो वही सेम चीज इसमें पाइथन में ट्राई और कैच नहीं है बल्कि ट्राई और एक्सेप्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जावा याद करवाता हूँ, एक चीज जो हमने जावा में पढ़ी थी और उसके बाद मैं वापस इस पे आता हूँ। जावा में हमने कुछ इस तरह पढ़ा था कि अगर किसी कोड में हमारे पास हमें डाउट हो कि इसमें एरर आ सकता है तो उसको हम ट्राई में रखते थे, याद होगा, ठीक है। अगर किसी कोड में अगर हमें डाउट हो कि कोड में एरर आ सकता है तो उसको हम ट्राई में रखते थे, और अगर एरर आ जाता था तो उसको कौन पकड़ता था, कैच, और उसमें क्या लिखना होता था, एक्सेप्शन ई, ठीक है, और उसको आप इस ब्लॉक के अंदर हैंडल करते थे, जो भी करना होता था वो इसके अंदर करते थे उसके साथ। ट्राई में वो कोड रखते थे जिसमें एरर आने के चांसेस है, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई के अंदर वो कोड रखते थे जिसमें एरर आने के चांसेस है, जैसे अगर मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसमें एरर क्या आ सकता है, 10 डिवाइडेड बाय 0 अगर करूं तो क्या एरर आएगा, इनफाइनाइट का एरर आ जाएगा, है ना, इनफाइनाइट का एरर आएगा, यानी कि मेरा प्रोग्राम हैंग हो जाएगा,
ये जब एरर का मुझे डाउट है कि इस कोड में एरर आ सकता है, तो मैं इसको कहाँ रखूंगा, ट्राई के अंदर। तो ट्राई क्या करेगा, इस कोड को चलाएगा, अगर एरर आ गया तो एरर को पकड़ के फेंक देगा। कहाँ फेंकेगा, इसके पास, कैच के पास। कैच जो है वो उस एरर को पकड़ेगा और उसको चाहे तो प्रिंट करवा के दिखाओ, नहीं प्रिंट करके दिखाना, कोई और एक्शन परफॉर्म करना है तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी प्रोग्राम आपका हैंग नहीं होगा, बंद नहीं होगा। ट्राई के बाद का जितना भी कोड होगा, यानी कि इधर जितना भी कोड लिखा होगा, ये वाला, ये चलता रहेगा। एरर इधर आया था, ये वाला कोड, इसके अंदर जो भी कोड होगा ट्राई के अंदर, वो छोड़ दिया जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जितना भी कोड था नीचे, वो सब एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो एरर, रन टाइम एरर से बचने के लिए, रन टाइम एरर को बचने के लिए हम लोग ट्राई ब्लॉक यूज करते थे। रन टाइम याद रखिएगा, रन टाइम, ठीक है। रन टाइम और कंपाइल टाइम, दो तरह के एरर्स होते हैं। कंपाइल टाइम वो एरर्स होते हैं जब कंपाइल करें तो एरर आए और वो हम पकड़ लें, या कंपाइलर पकड़ के बता दे हमें। रन टाइम वो एरर्स होते हैं जो कंपाइलर नहीं पकड़ पाता, लेकिन जब रन हो रहा होता है प्रोग्राम तो एरर आ जाते हैं, और वो अगर एरर आते हैं तो फिर प्रोग्राम आपका बंद हो जाता है, क्रैश हो जाता है, रुक जाता है। तो वो खतरनाक एरर्स होते हैं, ठीक है, कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में था और एरर आ गया और वो बंद हो गया। उससे बचने के लिए फिर हम ट्राई और कैच यूज करते थे। ये सेम दो चीजें, ट्राई और कैच, इनको पाइथन में लिख कहते हैं ट्राई, ठीक है, और दूसरा कहते हैं एक्सेप्ट। इसके साथ ब्रैकेट नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। इसमें हम टैब यूज करते हैं, वही टैब वाला कोड। टैब करके जो चीज यहाँ लिखोगे ट्राई के अंदर, वो टैब ट्राई की बॉडी में आ जाएगा, और एक्सेप्ट के अंदर टैब करके जो भी लिखोगे तो वो एक्सेप्ट की बॉडी में आ जाएगा। चले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये इसको, ये कहता है, यू सराउंड अ कोड सेक्शन ऑफ कोड, डेंजरस सेक्शन ऑफ कोड विथ ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो कहता है वो कोड जो आपको डेंजरस लगता हो, कि जिसमें एरर आने के चांसेस हैं, उसको आप ट्राई में रखते हैं और एक्सेप्ट के अंदर रखते हैं। इफ कोड इन द ट्राई वर्क्स, अगर ट्राई के अंदर कोड चल जाता है तो स्किप नहीं चलता, लेकिन अगर ट्राई के अंदर कोई कोड एरर आ जाता है या फेल हो जाता है, यानी कि कोई एरर आ गया ट्राई के अंदर, तो फिर एक्सेप्ट का कोड चलता है। इसको करके दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे एरर लेकर आया है जानबूझ के। एरर कैसे लाया, इसने क्या किया, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग, उसके अंदर लिखा है हेलो बॉब, ठीक है, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इंटीजर में क्या कन्वर्ट होता है, नंबर कन्वर्ट हो सकता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह कोई भी नंबर हो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग को अगर आप कन्वर्ट करोगे इंटीजर में तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो उस एरर को कौन पकड़ेगा, इस एरर को कैसे पकड़ेंगे हम लोग, तो उस एरर को पकड़ने के लिए आप लोग फिर ट्राई और स्किप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं ये वाला कोड आपको चला के दिखाता हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोड है, इस कोड को यहाँ से ये डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं ASTR, ठीक है, उसका नाम, इसके अंदर डेटा रखते हैं कामरान फॉर एग्जाम्पल। और अब इसको हम जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं आई वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल IVAR, और इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इंटीजर, और उसके अंदर ASTR पास करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में चीजें बताई थी, याद होंगी आपको, कि ये जो वेरिएबल है कामरान, जिसके अंदर स्टोर किया हुआ है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इंटीजर में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कामरान स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो ये देखें एरर आ जाएगा। एरर क्या आया है कि आपने क्या किया, आपने इंटीजर को स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इंटीजर में स्ट्रिंग स्टोर नहीं हो सकता, तो ये एरर आ जाएगा। एंड दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम क्यों, क्योंकि कंपाइलर ने उसको पकड़ा नहीं, इंटरप्रीटर के पास एरर आ गया। ये वाला कोड नहीं चला, देखें, ऑल डन प्रिंट होना था ना, ऑल डन प्रिंट नहीं हुआ है। देखें क्या यहाँ प्रिंट हुआ है, ऑल डन नहीं हुआ है, प्रिंट ऑल डन, ठीक है। इसके पहले अगर कुछ प्रिंट होना होता तो वो प्रिंट हो चुका होता, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता, ठीक है, हेलो प्रिंट कर रहा हूं, तो ये हेलो देखिएगा प्रिंट हो जाएगा। ये देखें हेलो प्रिंट हुआ, देखें हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद एरर आ गया इस लाइन पे, ठीक है। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश की इंटीजर में तो एरर आ गया, ये वाला कोड प्रिंट ही नहीं हुआ जो मुझे प्रिंट करना था, ऑल डन, ये प्रिंट नहीं हुआ। तो
इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लाइन पे एरर आ जाता है तो उस लाइन के नीचे जितना भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता आपका। तो उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं आप लोग, उसके लिए आप लोग क्या करें कि उस कोड को आप कोशिश करें कि ट्राई के अंदर रखें, और जिस कोड में एरर आने के चांसेस हो वहां पे आप लोग उसको स्किप के अंदर रखते हैं। जैसे कि ये वाला कोड चला के देखते हैं, तो कहता है कि हेलो बॉब स्टोर किया था, इंटीजर में एरर आने के चांसेस थे तो आपने इसको ट्राई में रखा, ठीक है, और एक्सेप्ट के अंदर लिखा कि अगर कोई यूजर आपको जो है वो इंटीजर की वैल्यू की जगह स्ट्रिंग की वैल्यू दे दे तो वहां पे -1 स्टोर कर लेना, ठीक है। सेकंड स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 स्टोर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। इसको चला के दिखाता हूँ, देखें फर्स्ट वाली स्ट्रिंग ये है, इसके अंदर कामरान स्टोर्ड है। अब मुझे पता है कि ये कामरान जब मैंने इसके अंदर स्टोर किया है, ये जो है ये इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता इंटीजर वेरिएबल के अंदर। क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता? क्योंकि ये एरर देगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, लिखूंगा ट्राई, ठीक है, और ट्राई के अंदर इसको कॉलन लगाऊंगा और इसको टैप के थ्रू इसके अंदर डाल दूंगा। तो अब अगर ट्राई के अंदर एरर आएगा तो ये क्या करेगा, ये इसको भेज देगा एक्सेप्ट के अंदर, ठीक है, और एक्सेप्ट क्या करेगा, आई वेरिएबल 1 की वैल्यू कर देगा -1, ठीक है। और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं Astr2, और उसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं सिंगल कोटेशंस में 1 2 3। अब ये नंबर है तो ये कोई एरर नहीं देगा, तो इसलिए आई वेरिएबल 2, और उसके अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, तो इसको मैंने लिखा Astr2। तो ये ए स्ट्रिंग का जो वेरिएबल था ये वाला जिसके अंदर स्टोर है 1 2 3, ये इसमें कन्वर्ट होके IVR2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई एरर आया या जो डेटा है वो प्रिंट हुआ, तो क्या प्रिंट हुआ वो बताएगा हमें। तो फर्स्ट में प्रिंट करेगा फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज, ये प्रिंट होगा, ठीक है, और उसके बाद आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो कॉमा लगाएं और वेरिएबल का नाम दे दें, तो आई वेरिएबल 1, ठीक है। और इसके बाद इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोबारा पेस्ट, ठीक है। और ये सेकंड वेरिएबल के लिए, सेकंड वेरिएबल वैल्यू इज आई वेरिएबल 2। आप ये देखें ये -1 इसमें स्टोर होगा क्योंकि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाह रहा था तो एरर आएगा। अब क्योंकि मैंने ट्राई और कैच में लिखा है तो एरर प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, और उसकी जगह प्रिंट हो जाएगा -1 क्योंकि एक्सेप्ट के अंदर आपने उसका रिप्लेस कोड दे दिया है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब यह है कि अगर ट्राई को ट्राई करना इस लाइन को, अगर इस लाइन में कोई एरर आ जाए, अच्छा पहले मैं ही करता हूँ, उधर नंबर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर मैंने लिखा है 453, ठीक है, ये इसमें स्टोर कर देना, पहले मैंने इसको ये कहा है, और उसके बाद 1 2 3 इसमें स्टोर कर देना और दोनों को प्रिंट करके दिखाना। तो लेट्स ट्राई, पहले चला के दिखाता हूँ। ये देखें फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज 453 एंड सेकंड वेरिएबल वैल्यू इज 1 2 3, कोई एरर नहीं आया, आराम से ही डेटा एग्जीक्यूट हो गई। ये नंबर था ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है, और ये इसके अंदर स्टोर हो गया और ये यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। ये 1 2 3 स्टोर था, ये इसमें कन्वर्ट होके आ गया और ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा अब इधर 453 की जगह लिख रहा हूँ कामरान। अब क्योंकि कामरान जो है वो नंबर नहीं है तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, यहाँ पे एरर आएगा, एरर आएगा तो ये एक्सेप्ट के पास चला जाएगा और एक्सेप्ट उसमें क्या स्टोर कर देगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, -1 प्रिंट होगा, और इधर क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 कन्वर्ट होके इधर 1 2 3 प्रिंट होगा। देखिएगा ये देखें, ये -1 प्रिंट हुआ और इधर 1 2 3 प्रिंट हुआ। -1 क्यों हुआ, कामरान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कामरान जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता था तो एरर आएगा, इसलिए एक्सेप्ट के पास गया, एक्सेप्ट ने उसको -1 वैल्यू दे दी और वो इसमें स्टोर हो गई, और उसके बाद ये इधर आया 1 2 3 इसमें वैल्यू रखी हुई थी, ये कन्वर्ट होके इसमें स्टोर हो गई और ये इधर प्रिंट हो गई और ये इधर प्रिंट हो गई। इसको भी अगर आपको इस कोड में भी डाउट लगे तो इसके साथ भी ट्राई एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो ये वो चीज समझाना चाह रहा था यहाँ पे जो कि मैंने एग्जीक्यूट करके दिखाई है अभी, ठीक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा ये इसका एग्जीक्यूशन का डायग्राम है, डायग्राम देखें कुछ इस तरह है कि ASTR Bob, ठीक है, ट्राई करो
बॉब कहता है स्ट्रिंग है इसको ट्राई करो, हेलो प्रिंट करो पहले, तो ये देखें हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो इंटीजर में अगर एक्सेस करेगा प्रिंट करने की तो एरर आ जाएगा, तो ये सीधा कोड बाहर निकलेगा। एसटीआर की वैल्यू एक्सेप्ट के अंदर जाएगा, तो एक्सेप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, -1, ऑरेंज कलर में एक्सेप्ट है ये देखें, ठीक है। तो ये -1 पे आएगा और ये प्रिंट करेगा -1, और डन के बाद ये प्रिंट हो जाएगी वैल्यू ए एस टी आर की, आई एस टी आर की। ये सनान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि ये एसटीआर जब हम एक्सेप्ट के अंदर डाल लें तो सर ये कांस्टेंट है क्या? -1 ही रखेंगे, इसकी वैल्यू कुछ और भी रख सकते हैं, कुछ जी और जी कोई भी कोई लिख कोई सकते? कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये मैंने ऐसे ही -1 रखा है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ओके ये आपको इफ के ट्राई के अंदर दिखा रहा है, इंडेंटेशन की हुई है, तो ये तीनों कंडीशन इसके अंदर है, तीनों स्टेटमेंट ट्राई के अंदर है, ठीक है। और एक्सेप्ट के अंदर एक स्टेटमेंट है ये -1 वाली। ये भी आप ट्राई करके देखिएगा, चला के देखें देखना, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, या फिर आप मुझसे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सैंपल है, ये ट्राई कोड, ट्राई कैच का, ट्राई एक्सेप्ट का कोड है, ये भी चला के देखिएगा। इसने लिखा है कि रॉ एस टी आर, एंटर अ नंबर, नंबर एंटर करो और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, अगर नंबर होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो -1 स्टोर हो जाएगा। इसको मैं करके दिखाता हूँ ये क्या कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोड कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि इफ, यहाँ पे पहले आप इनपुट ले लें यूजर से, तो लिखेंगे इनपुट, ठीक है, ये वाला कोड लिख रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले वेरिएबल बना लें और उसके सामने लिखें इनपुट, इनपुट यूजर से ले रहे हैं और यूजर से कहते हैं कि मैसेज इनपुट दो, तो लिखेंगे एंटर अ नंबर। अगर यूजर ने नंबर इनपुट किया, ठीक है, तो वो एसटीआर स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा और वो इसके थ्रू कन्वर्ट होके इसमें 1 में आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद अगर दूसरा भी नंबर लेते हैं यूजर से इनपुट, दूसरा नंबर इनपुट करते हैं, कहते हैं इसको एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एंटर करो, यहाँ पे सेकंड नंबर एंटर करो, ये एसटीआर 2 है और ये एसटीआर 1 है, ठीक है, और ये 1 को कन्वर्ट करेगा इसमें। अच्छा, ये एसटीआर 2 को कन्वर्ट करेगा और 2 के अंदर इसको स्टोर करेगा। अगर ये दोनों नंबर सही मैंने दिए होंगे, ठीक है, अगर ये मैंने दोनों सही नंबर दिए होंगे तो ये उनका प्लस करके मुझे प्रिंट करके दिखाएगा, एसटीआर वेरिएबल 1 प्लस आई वेरिएबल 2, ये दोनों को प्लस करके मुझे प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। और अगर मैंने गलत नंबर कोई एंटर किया तो -1 कर देगा, एक्चुअल वैल्यू में से -1 माइनस कर देगा, ठीक है। सम ऑफ वेरिएबल इज, दोनों को प्लस करके दिखा देगा, ठीक है। अब इसको F5 से ट्राई करते हैं, देखें अब मुझे कह रहा है कि एंटर नंबर 1, तो मैं इसको एंटर करता हूँ, नंबर 1 को मैंने लिखा 40, दूसरा नंबर कह रहा है एंटर करो, मैंने लिखा 30, तो इसने मुझे लिखा है सम ऑफ वेरिएबल इज 70, ठीक है, दोनों सही तरीके से प्रिंट हो गए, कोई एरर नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कोई स्ट्रिंग की वैल्यू दूंगा, अब मैंने लिखा कामरान, ठीक है, अब इसको मैंने 40 नहीं दिया, तो ये एक्सेप्शन थ्रो होगी, यानी कि ट्राई के अंदर एरर आएगा, तो के एक्सेप्ट उसको क्या वैल्यू देगा, -1 दे देगा, ठीक है, -1 स्टोर हो गया है। अब मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ 10, तो 10 में से -1 होगा तो क्या बचेगा, 9, तो ये देखें आंसर आया -1 हुआ, 10 में से -1 हुआ तो बचा सम ऑफ वेरिएबल इज 9, 9 बचा है हमारे पास। कैसे हुआ, इस जगह पे मैंने कामरान लिखा था तो कामरान कन्वर्ट नहीं हो सका था इंटीजर में, इसलिए इसने यहाँ पे -1 स्टोर कर दिया था ये वाला, ठीक है। और इधर इधर जो है सेकंड वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर हुई थी 10, और 10 में से -1 हुआ तो 10 -1, तो ये बचेगा 9, तो 9 आपके पास प्रिंट हो गया है, ठीक है। इसको चला के देखिएगा, ये वाला कोड आप चला के देखना, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है, ये वाला हमने जो है वो ये टॉपिक्स आज कवर किए हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर पढ़ाए मैंने आपको, इंडेंटेशन सिखाई है कि अगर इफ की कंडीशन होगी, लूप्स होंगे, उसकी बॉडी डिफाइन करनी होगी तो इंडेंटेशन से डिफाइन होगी,
उसके बाद मैंने आपको वन वे डायमेंशंस डिसीजंस बताए कि इफ की कंडीशन के अंदर वन वे होता है, एक रास्ता होता है, दो रास्तों के लिए आप इफ और एल्स यूज करते हैं, ठीक है। और नेस्टेड की कंडीशन लगाना हो, इफ के अंदर इफ लगाना हो अगर, तो टैब दबा के इफ के अंदर इफ क्रिएट कर सकते हो। अगर एक दो से ज्यादा रास्ते चाहिए हो तो फिर ये एल्स इफ यूज करते हो, जिसको आप ई एल इफ कहते हो, ठीक है। और ट्राई और एक्सेप्ट तब यूज करते हो जब आपको किसी कोड में अगर एरर हो, कोई डाउट हो, तो फिर आप ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हो। ये सनोज क्वेश्चन है। सर इंडिटेशन ने एकड़े चक्कर वाली बुदाए मुझे डिस्कनेक्ट थी हो रहा इंडेंटेशन वही है बेटा जो मैंने अभी बताया था, कि अगर आपके अंदर आप अगर इस तरह लिखते हो इफ, ठीक है, और इफ के अंदर आपने कोई कंडीशन दी है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल ग्रेटर देन 10, अगर वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो तो प्रिंट करो हेलो, ठीक है। तो ये इसको इंडेंट करना होगा, इंडेंट का मतलब टैब दबाओगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा, इफ के अंदर, ठीक है। अगर टैब नहीं दबाओगे तो ये बाहर रहेगा, ये इफ के अंदर नहीं रहेगा। इंडेंट का मतलब है कि यू हैव टू प्रेस टैब, तो ये इसके इफ के अंदर आ जाएगा और उसके बाद ये हेलो कनेक्ट हो जाएगा इफ के साथ। तो अगर इफ ट्रू होगा तो ये हेलो प्रिंट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, अगर ये इंडेंट नहीं दबाओगे तो इसका मतलब ये है कि इफ की बॉडी अभी तक आपने डिफाइन नहीं की है, ठीक है। तो इफ की बॉडी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, तो इफ की बॉडी डिफाइन करने के लिए टैब दबाते हैं, यानी कि इंडेंटेशन करते हैं, और इंडेंटेशन आपको बताता है कि आप इसके अंदर हैं। अगर एक और इफ मुझे यूज करनी होगी तो ये इसके अंदर लिखा मैंने इफ, ठीक है, और मैंने कहा वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन 20 40 फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर अगर जाना हो तो एक टैब दबाओगे और दूसरा टैब दबाओगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा, दूसरे इफ के अंदर। इस चीज को इंडेंटेशन कहता है, जब जिसके भी अंदर जाना होगा, जिस भी कंडीशन इफ के अंदर, तो उस इफ के अंदर जाने के लिए आप इंडेंटेशन यूज करते हो, ठीक है। आई होप इस आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है सनोज? सर ये आपने सर क्लियर है, बट दूसरा दूसरा आपने यूज किया ना सर, वो उसके इंडिटेशन के नीचे ही देंगे या वहां जी हाँ, उसके से नीचे ही स्टार्ट देंगे। कर सकते हैं ये इफ जो है स्टार्ट ये से? इस इफ के अंदर है, ये इफ इस अच्छा इफ के वो, अंदर है, और ये जो प्रिंट हेलो टू है ये इसके इफ के अच्छा, अंदर है, ठीक है। ठीक। अच्छा इन्हें नेस्टेड होगा तो इधर लिखेंगे, अदरवाइज वहां हाँ, पर? अगर नेस्टेड होगा तो इधर लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे लिखेंगे। अब ये इफ जो है, ये प्रिंट जो है, ये इसकी बॉडी में है, इस इफ की बॉडी में, ठीक है सर, क्लियर। ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। ओके, नाउ अगर इसके बाद फिर हमने ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करना है, और ये सॉल्व करके आप लोग फेसबुक के ऊपर ग्रुप पे पोस्ट करेंगे, इसका कोड भी और इसका आउटपुट भी, ठीक है। मैं चेक करूंगा आपका वहां पे फेसबुक के ऊपर। तो ये कोड प्रोग्राम बनाना है आपने, प्रोग्राम क्या कहता है? प्रोग्राम कहता है राइट राइट योर पे रीराइट योर पे कंप्यूटेशन टू गिव द एम्प्लॉय 1.5 टाइम्स द आवरली रेट फॉर आवर्स वर्क अबव 40 आवर्स, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहा है कि आप लोगों ने कोड लिखना है, और उसमें क्या करना है कि एंटर आवर्स, पहले वो अपने वर्किंग आवर्स बताएगा कि कितने घंटे उसने काम किया है बंदे ने, उसके बाद अपना रेट बताएगा कि कितने पैसे वो चार्ज करता है पर आवर। तो सपोज करें कोई बंदा है, वो 45 घंटे उसने काम किया है, और 10 जो है वो घंटा 10 रुपए वो पर आवर चार्ज करता है, ठीक है। और उसमें वो ये कहता है कि उसकी जो एम्प्लॉय की जो टाइमली वर्किंग आवर है, 1.5 टाइम्स रेट उसका आपने करना है, 1.5 टाइम्स। तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। तो 40 आवर से ज्यादा अगर वो काम करेगा, 40 आवर से अगर ज्यादा काम करेगा तो उसको जो रेट लगेगा वो 15 रुपए लगेगा, और अगर 40 घंटों तक काम करता है या उससे कम का काम करता है तो उसको रेट लगेगा 10 रुपए का। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। अगर किसी बंदे ने 1 घंटे से लेके 40 घंटे तक कोई काम किया है, अगर वर्किंग आवर्स उसके 1 आवर टू 40 आवर्स है अगर, तो उसका जो रेट लगेगा कमाई का वो 10 रुपए लगेगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि उसकी सैलरी को, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, या अगर 30 आवर्स काम किया है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 20 आवर्स काम किया है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अच्छा, अगर किसी बंदे ने 50 घंटे काम किया है तो क्या करेंगे, 40 घंटे उसके मल्टीप्लाई होंगे 10 के साथ, बाकी जो 10 घंटे बचते हैं 50 में से
उन 10 घंटों को आप मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ, ठीक है, तो उसकी जो सैलरी बनेगी वो आप दोनों की प्लस करके दिखाओगे, वो यहाँ पे शो होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया है 45 बंदे ने एंटर किया, तो उसमें से 40 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये बन गया यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद प्लस बाकी 5 घंटे इसके बच गए थे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा और ये बचेगा टोटल जो वैल्यू आएगी होगी 475। ये कोड आपने करना है, इसके अंदर आप लोग इफ की कंडीशन भी यूज करोगे, इनपुट भी यूजर से लोगे। अच्छा, इसमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि ये नंबर इनपुट करे, अगर कोई करेक्टर इनपुट करे तो उसके पास मैसेज आ जाए कि जो है आपने जो वर्किंग आवर्स यूज किए हैं वो सही नहीं है, या वर्किंग आवर्स उसकी जगह जीरो कर दीजिएगा और रेट उसका जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसमें ट्राई और एक्सेप्ट भी यूज करना है आपने, कि अगर वो नंबर के अलावा कोई वैल्यू इंटर करे तो उसकी जगह -1 आ जाए, या उसकी जगह कोई दूसरा नंबर प्रिंट हो जाए, या उसके पास कोई मैसेज प्रिंट हो जाए कि आपने इनपुट सही नहीं दिया तो वैल्यू सही नहीं आई इसलिए। सो ये आपको करना है, ये आप लोग कोड करके वहां पोस्ट करेंगे, मैं चेक करूंगा आपका। अगर क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ सकते। ये एक और प्रोग्राम है, ये भी आपने करना है, दिस वन। इसमें कहता है री राइट योर पे प्रोग्राम यूजिंग ट्राई और एक्सेप्ट सो दैट द प्रोग्राम हैंडल्स नॉन न्यूमेरिक इनपुट। तो कहता है कि अगर कोई बंदा 20 की जगह यहाँ पे रेट की जगह 9 लिखा है, उसने इंग्लिश में NIN ही, तो प्रिंट आ जाए एरर प्लीज एंटर न्यूमेरिक वैल्यू, ये प्रिंट हो जाए। और अगर किसी बंदे ने 40 जो नंबर में लिखना था और उसने इंग्लिश में लिखा 40 करेक्टर्स में, तो इसके पास एरर आ जाए एरर प्लीज एंटर न्यूमेरिक इनपुट, ये वाले मैसेज आ जाए, ठीक है। तो दो काम आपने करने इस आज जो आपको मैंने करवाया, उसमें एक ये प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, इफ की कंडीशंस लगाना है, इफ एल्स की लगाना, जो भी आपको समझ आए, और दूसरा ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू इसको बनाना है कि यूजर अगर इनपुट करे नंबर तो वो सही उसको प्लस करके दिखाए, मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर वो कोई करेक्टर इनपुट करे तो उसको ये मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है इसको अगर समझना हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, ठीक है, यानी कि सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व करें, कल हम दोबारा क्लास कंडक्ट करेंगे। यस सनन, सर, ये सेकंड वाला जो आप बता रही है इसके अंदर तो सिर्फ ट्राई और कैच ही लगेगा ना, इसके अंदर और तो कुछ नहीं करना। ये वाला कोड जो है ना, यही वाला कोड करना और इसी में ट्राई और एक्सेप्ट लगाना, बस इसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हाँ, क्योंकि इसके अंदर तो सर सिर्फ ट्राई और एक्सेप्ट ही लग रहा है, और जी कुछ हाँ नहीं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ वही, तो वो यही वाला उसमें भी लग कोड जाएगा तो वो उसमें इस, ये। जी, दोनों ही चीजें एक ही जगह सॉल्व हो जाएंगी फिर, यस सर, यही पूछना था। ठीक है। सो कल हम लोग इंशाल्लाह इसी टाइम पे क्लास कंडक्ट करेंगे, और अगर मैंने इस टाइम पे क्लास नहीं भी ली तो मैं आपको टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे क्लास कंडक्ट करूंगा, हो सकता है थोड़ा जल्दी ले लूं, अगर मैं इस टाइम पे फ्री हुआ तो इसी टाइम पे लूंगा, 7 to 8, ठीक है। क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछें, और ये वीडियो जो आज का लेक्चर है ये मैं पोस्ट करूंगा आपके ग्रुप पे, वहां देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी लाजमी। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे इसका, जो कंडीशनल एग्जीक्यूशन, और इसकी लैब भी देखते हैं, अगर है अवेलेबल तो मैं आपको लैब भी दे देता हूँ, वो भी इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये है लैब 3, ठीक है, ये लैब 3 के क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करने, और ये सॉल्व करके आप लोग मुझे ईमेल करेंगे, ठीक है। ये लैब सॉल्व करके इनका कोड जो भी होगा, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 लिखकर आप लोग मुझे ईमेल करेंगे, ईमेल में आपकी आपको बता देता हूँ, वहां पे आप लोग इसको पोस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, इनके सॉल्यूशंस पहले ही दिए हुए हैं नीचे, बाकी टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 जो है इनके सॉल्यूशंस पहले से ही मौजूद है, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप लोग ये कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा, सॉल्यूशंस ना देखना पहले, ठीक है, पहले खुद ट्राई करना, अगर सॉल्व हो जाए तो वेरी गुड, नहीं हो तो फिर कोड देख लेना, नीचे सॉल्यूशंस भी दिए हुए। यस बेटा हनन, क्वेश्चन है, सर, ये जो लैब मैनुअल है इसके अंदर हमारे को ये ईमेल जो हम करेंगे तो इसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट आएंगे तो वो मतलब वर्ड के थ्रू हम इसके अंदर डाल के फिर आपको भेजेंगे जी या हाँ, पिक्चर्स भेजें। जी, एक वर्ड फाइल बनाना, वर्ड फाइल में पहले प्रोग्राम का नाम लिखना, फिर उसका स्क्रीनशॉट लगाना, फिर उसका कोड नीचे रखना, ठीक है, ठीक है और सर, इसी तरह से फिर ठीक है। दूसरा फाइल अलग बनाना, तीसरा फाइल अलग, या एक ही फाइल में बल्कि नीचे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 करके और उसका एक ही फाइल कोड। में, हाँ जी, ठीक है सर। ये मुझे अच्छा, ये नीचे इसका कोड दिया हुआ, ये ना देखना पहले, ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करना, सॉल्व करना, नहीं हो तो फिर ये कोड आप जाके नीचे देख सकते हो, लेकिन पहले ट्राई योर सेल्फ प्लीज।
ठीक है, चलें ये पोस्ट करता हूँ आपके ग्रुप पे, और इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन द क्लास। क्वेश्चंस होंगे तो फिर डिस्कशंस करेंगे इनके ऊपर। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।